हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ यारा मूवी का, और ये मूवी मुझे कैसा लगा, किस लिए अच्छा लगा, किस लिए बुरा लगा, सभी मैं डिटेल्स बोलूँगा, तो वीडियो के एंड तक देखना मत भूलिए। तो इस मूवी को डायरेक्ट किया है दिग्मांशु धूलिया ने, जो इससे पहले बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बना चुका है, और उसके सारे फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एज ए डायरेक्टर दिग्मांशु धूलिया मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसका बहुत दिनों के बाद कोई फिल्म आया है, जिस फिल्म का मुझे लगता है कि देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अगर थिएटर में आती तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा बिजनेस कर लेती। क्योंकि अगर इसके पहले विद्युत जुमाल का जो फिल्म आ चुका है, कमांडो, या फिर जो फिल्म आ चुका है, वो इतना बढ़िया फिल्म नहीं था, लेकिन वो थिएटर पे आया। लेकिन जब उसका कोई फिल्म थिएटर पे आना चाहिए था, एक अच्छा मूवी, वो नहीं आया। क्योंकि अभी सबको जल्दी से जल्दी ओटीटी पे लाने का बहुत ही ज़्यादा ही है। कोई बड़े सुपरस्टार का फिल्म आता है तो वो फिल्म थिएटर पे आने के लिए वेट करता है, लेकिन विद्युत जुमाल का फिल्म है तो जल्दी से जल्दी ओटीटी पे आना ही चाहिए। तो ये फिल्म मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इस फिल्म में सारे के सारे एक्टर्स ने एक्टिंग बहुत ही अच्छे किया है। अगर एक्टिंग के लेवल पे देखें तो अमित साध ने एकदम बढ़िया काम किया है। मुझे नहीं पता कि बॉलीवुड इस एक्टर को ठीक से क्यों नहीं काम देता है, क्या प्रॉब्लम है। इतना अच्छा एक्टर है, इतना नेचुरल एक्टिंग करता है। और उसके बाद मैं बोलूँगा विद्युत जामवाल के बारे में। विद्युत जामवाल इस फिल्म में मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग दिया है। अभी उसका करियर का अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसके अंदर जिसने भी वो फिल्म किया है उसमें से सबसे अच्छी एक्टिंग अभी तक यारा में कर चुका है वो। इससे पहले अक्षय कुमार आया था, जो कि एक एक्शन हीरो था, लेकिन उसके बाद उसके साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया एज ए कॉमेडियन, एज ए रोमांटिक हीरो, और उसके बाद आज वर्सेटाइल अक्षय कुमार बन चुका है। तो मुझे लगता है कि अगर विद्युत जुम्मन के साथ भी कुछ ऐसा किया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्टर बन सकता है मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि मैंने उसका जो ट्रेलर देखा खुद हाफिस का, वो मुझे बिल्कुल आउटस्टैंडिंग लगा। तो मुझे लगता है कि इस फिल्म में जो एक्टिंग है विद्युत जुम्मन ने मतलब एकदम जम के किया है। और उसके बाद सबसे बढ़िया बात जो है इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक, हर एक एक्शन सीन में, हर एक जो बात है, हर एक जो सीन देख के मतलब एकदम बैठने का मन हो जाता है, वैसे सीन पे बैकग्राउंड म्यूजिक का बहुत ही बड़ी भूमिका है इस फिल्म में। और बैकग्राउंड म्यूजिक इस फिल्म का एक बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस फिल्म का जो म्यूज़िक है, मतलब जो गाना है, वो बहुत ही अच्छा नहीं है, और भी अच्छा बन सकता है जो किया नहीं गया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक उतना भी अच्छा नहीं है जितना कि बैकग्राउंड म्यूज़िक है। और श्रुति हसन के बारे में बोलूँगा तो उसका एक्टिंग मुझे ठीक ठाक ही लगा, कुछ बुरा नहीं लगा। जितने भी सीन्स हैं वो एक्टिंग बहुत ही अच्छा कर चुकी है, तो मुझे उसका भी एक्टिंग बहुत ही अच्छा लगा है। तो इसका प्लस पॉइंट जो है एक्टिंग, और सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट जो है स्टोरी। देखिए अभी फिल्म आज को लेके आया है, आज है फ्रेंडशिप डे। तो फ्रेंडशिप हम लोग कैसे चुनते हैं, ये मतलब गॉड गिफ्टेड है, ये हम लोग खुद नहीं बनाते, ये हमारी जो दुनिया है, दुनिया से मिल के हम लोग फ्रेंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पर चार फ्रेंड्स मिलते हैं, दोनों ने मिला, इसके साथ एक साथ काम किया, उसके बाद क्या होता है वही है स्टोरी। तो स्टोरी और फ्रेंडशिप इन दोनों के एक साथ में मिला कर एक बहुत ही अच्छी फिल्म बनाया गया है। और आप लोगों ने इस फिल्म को अभी तक नहीं देखा तो मतलब बहुत कुछ मिस कर चुके हो। तो आज और भी तीन फिल्म आने वाला है, रात को शकुंतला देवी आने वाला है, रात अकेली आने वाला है, लुटकेस आने वाला है। तो उसके पहले अगर आप लोग चाहें तो इस फिल्म को देख सकते हैं यारा को, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो Zee5 पे भी अवेलेबल है। तो मैं इस फिल्म को रेटिंग दूंगा 5 में से 4। आप लोगों को कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल में नहीं आया तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड गेट द बेल आइकॉन। तो अभी के लिए बाय, फिर मिलेंगे जल्दी।